हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दलिया। देखिए, ये मैंने दलिया लिया है। इसे मैंने हरी मूंग की दाल मिलाई है, छिलकों वाली। फ्रेंड्स, इसको मैंने आधा घंटा भिगो के रखा था। देखिए, मैंने एक कप लिया है मेजरमेंट से, एक टमाटर लिया है मैंने, और आधी डली मैंने प्याज की ली है। चलिए आइए, हम आपको बना के दिखाते हैं दलिया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर रख दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए छोटा स्पून है, 1, 2 एंड 3 थ्री टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें ऑयल। मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हींग डालूंगी मैं, चुटकी भर, सिर्फ 1 पिंच डालूंगी मैं इसमें हींग। ये देखिए, चुटकी भर मैंने हींग ली है, क्योंकि हमारा दलिया बहुत थोड़ा सा है। और इसमें मैं डालूंगी ये ऑनियन कटी हुई। हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, तो हमें ज्यादा रेड नहीं करनी, बस इतना ही करना है फ्रेंड। फिर हमें डाल दूंगी इसमें ये दलिया। ये देखिए, मैंने सारा दलिया डाल दिया है इसमें। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, मिक्स करेंगे इसमें। यहाँ मैं टमाटर डाल दूंगी, ये जो हमने काट के रखा था। मैं सिर्फ हल्दी का दलिया बना रही हूँ, फीका। मैंने 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा सा डाला है इसमें नमक। और मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर। ये देखिए, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर का लिया है। ये दलिया मैंने सब डाल दिया है, और इसको 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरीके से भूनेंगे बिना पानी के। फिर मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये मैंने बाउल जो जिसमें दलिया भिगोया था, मैंने वही डाला है पानी। पानी कम लग रहा है मुझे इसमें, हम 1 गिलास भर के और डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसमें 2 गिलास पानी गया है। अब मैं इसमें 4 विसिल लूंगी। 4 विसिल लेने के बाद मैं इसको ऐसे ही दम पे छोड़ दूंगी, फिर हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दलिया बनके तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इसमें 4 सीटियाँ आ गई हैं, 5 सीटियाँ हमने इसको दम पे छोड़ा था। चलिए आइए, हम देखते हैं। देखिए, हमारा दलिया कितना फर्स्ट क्लास सा बना है, और मैंने फ्लेम को ऑन भी कर रखा है। ये देखिए, हमें ऐसे ही गला हुआ चाहिए, और हमारा दलिया बिल्कुल गल चुका है। फ्रेंड्स, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसमें हम लगाएंगे तड़का देसी घी का और प्याज का। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सर्व करेंगे। अच्छी तरह दम पर आ गया है दलिया मेरा। मैं इसको फटाफट से निकाल लेती हूँ एक बाउल में, फिर हम आपको दिखाएंगे सर्व करके और तड़का लगा के। ये मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए, एक बाउल भर के बना है दलिया, 2 जनों के लिए बहुत है। चलिए आइए, हम आपको तड़का लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तवा रख दिया है फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। मैंने ये अमूल का देसी घी लिया है फ्रेंड्स। मैं इसमें डालूंगी भर के 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें देसी घी। और हम डालेंगे इसमें ऑनियन काट के, बारीक बारीक स्लाइसेस करके डालिएगा। देसी घी को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, इसमें हम डाल देंगे देसी घी, इसके साथ साथ गर्म हो जाएगा प्याज के साथ। जीरा भी डाल सकते हैं, हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी खाली। जितना सिंपल होगा दलिया, उतना ही बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दलिया 2 जनों के लिए काफ़ी है। कितना सारा बना है इसमें। ऑनियन को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ऑनियन हमारी जल जाएगी, और जली हुई प्याज बहुत बुरी लगती है। बस मैं इतना ही करूँगी इसको। और देखिए, अब मैं यहाँ पर तड़के में इसको तड़का लगाऊंगी। देखिए, दलिया हमारा फर्स्ट क्लास सा बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में ही बहुत यमी है। और अगर आपको मेरा ये दलिया पसंद आया हो मूंग दाल, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।